शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। अक्षर अक्षर ज्योत जले मन को देता उजियारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। सा समय के चलना सीखो आज से लिखना पढ़ना। हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान मिलता पढ़े लिखे को मान। जब भी जागे तभी सवेरा। नहीं अंधेरे में अब रहना। नहीं अंधेरे में अब रहना। तुझे बुलाए नई सुबह नई सुबह नई सुबह नई सुबह नई सुबह नई सुबह। क्यों, क्या हुआ शेखर? उस दुकान में कितने अच्छे लेडीज पर्स हैं, मैं देख लूं। मैडम अभी हम ड्यूटी पर हैं। ये भी तो ड्यूटी है। अच्छा, औरतों का बैग देखना ड्यूटी है? औरतों का बैग देखना नहीं, लोगों से मिलना। देख लूं। ओके बाबा, चल चल। आइए आइए बहन जी, कहिए क्या दिखाऊं? पर्स देखना है। अच्छा चल, अपने लिए। हाँ। पहले अपने लिए, फिर किसी और के लिए, और फिर किसी और। शेखर देखिए ये रही सारी पर्स बैग्स, पसंद कीजिए ना। आप तो बहुत किस्म के पर्स बेचती हैं। जी हाँ, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, यही पिछवाड़े हमारा कारखाना भी है। अच्छा। हाँ जी शेखर, देखो ना ये पर्स कैसा है। अच्छा तो ये ड्यूटी है हमारी। मेरे लिए पर्स पसंद करो। क्या कहा आपने सामने? ये मेरे साहब नहीं, मेरे साथी हैं, हम दोनों साथ में काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल मैं एक ऐसा बैग ढूंढ रही थी जिसमें जगह भी ज्यादा हो और पॉकेट्स भी ज्यादा हो, जिसमें मेरी किताबें कागजात निजी सामान सब कुछ आ जाए। अच्छा, इसे ढोने के लिए एक कूली रखना पड़ेगा। शायद आप बहन जी आप ऑर्डर दे दीजिएगा, बन जाएगा। अच्छा तो फिर ले लीजिए ऑर्डर। जी हाँ। कविता, कविता बेटा। हाँ? ये कविता है मेरी बेटी, यही सब बैग बनाती है। अच्छा। हाँ। माँ ने भी ट्रेनिंग ली है, हम दोनों मिलके काम करती है, और कारीगर भी है, यही पीछे ही हमारी वर्कशॉप है। मतलब आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर बैग बनाने की ट्रेनिंग ली और फिर ये धंधा शुरू किया? जी हाँ। कविता बेटा हाँ? इनका ऑर्डर ले लेना और मैडम को जैसे चाहिए वैसा बढ़िया बैग बना के दे देना। हाँ हाँ, कहिए मैडम। अच्छा बहन जी, आपने ट्रेनिंग कहाँ ली थी? यही शिवपुर में, जहाँ वो ग्रामीण महिला विकास केंद्र है ना, वहाँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, उधर सरकार का एडल्ट एजुकेशन सेंटर खुला है और उधर ही गांव की महिलाओं को शिक्षा भी देते हैं। जी हाँ साहब, मैंने और मेरी बेटी ने टेलरिंग की ट्रेनिंग ले ली और फिर धंधा शुरू करने के लिए इनके बाबा की मदद से यहाँ दुकान ले ली। आपका धंधा कैसा चल रहा है? अब अच्छा चल रहा है साहब। मैडम एक घंटे में आपका बैग तैयार हो जाएगा। हाँ, हाउ सरप्राइजिंग। शेखर चलो तब तक घूम कर आते। अब कविता ने कहा है ना बहन जी, तो फिर वो जरूर बना के दे देगी आपको। सोनल तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें तुम्हारा बैग मिल गया और मुझे मेरी कहानी। कहानी? कैसी कहानी बहन जी? आप जरा इन्हें बताइए कि आपने अपना सफर कैसे शुरू किया और इस दुकान तक कैसे पहुंची। देखिए बहन जी, मैंने तो जिंदगी से बस एक ही बात सीखी है, तुम कुछ करो तभी कुछ होता है। हमने किया और फल पाया, नहीं तो गरीबी की चक्की में बस पीसते ही रह जाते। कैसे किया बताइए ना, शायद हमें भी कोई सबक मिले। हाँ बताती हूँ, थोड़ा पहले से बताती हूँ, सुनिए। तभी कविता के बाबा ट्रक चलाते थे। माँ
आज बड़ी जल्दी लौटा है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं गया था, गाड़ी ठीक नहीं चल रही है। क्यों, क्या हुआ? अभी तो मरम्मत करवाई थी। अरे अलका, सेकंड हैंड गाड़ी में कभी भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा इसकी मरम्मत पर खर्चा हो जाता है, मैं तो तंग आ गया। बाबा मेरे पास नोटबुक नहीं है, मास्टर जी डांटते हैं। कुछ पैसे लाए हैं आप? वो घर में सब राशन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। लाला कहता है कि पहले का हिसाब चुकता कर देना तभी कुछ दूंगा। घर से बाहर जाओ तो गाड़ी की मुसीबत, घर में आओ तो घर की मुसीबत। जो पैसा मिला था वो गिराज वाले को दे दिया, क्या करूं, चारों तरफ उधारी हो गई है। अब फिक्र करने से कुछ नहीं होगा जी, आज तो चूल्हा जल गया, कल के लिए फिर से लाला के सामने हाथ जोड़ने पड़े। माँ, फिर मेरी नोटबुक का क्या होगा? मीता, सुना नहीं तुमने, पापा के पास पैसे नहीं है। अच्छा सुनो, तुम मास्टर जी से कह देना कि कल लेकर आऊंगी। कविता सुन तो, वो धागे वाली है ना, उससे पैसे लेकर आना और इसके लिए वो नोटबुक खरीदना। अलका, देनदारी बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है, सोचता हूं इसके साथ और भी कोई काम शुरू करूं। उससे कितना कमाएंगे आप? कोई ऐसा धंधा नहीं करना जिससे बाप दादा की इज्जत को बट्टा लगे, जो भी रुकी सुखी मिल रही है बस गुजारा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं लाला से बात करता हूँ, अगर मान गए तो कुछ राशन भेज देगा, आज लंबा भाड़ा मिल गया तो ले लूंगा। गाड़ी लंबा जाएगी ना? अरे जाना ही पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुई तो संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। और हाँ, अगर मैं बाहर चला गया तो आने में 3-4 दिन लग सकते हैं। अरे रवि, अच्छा हुआ लाला जो तुम मिल गए। मिलने गया भाई? मिलने आया हूँ। कुछ याद है? उधारी 1000 से ऊपर चली गई है, कुछ पेमेंट की भी सोचो यार। अरे क्यों घबराता है लाला, तेरा एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, बस कुछ और दिन सब्र कर ले। वसूली के लिए अगर सब्र किया तो धंधा हो गया, क्यों कुछ दिन के बाद तेरी लॉटरी खुलने वाली है। क्या भरोसा, तकदीर पलटते देर नहीं लगती है लाला। हाँ, मुझे उल्लू मत बना, मैंने घर में बोल दिया है जब तक पिछला उधार चुकता नहीं होता एक दाना भी नहीं दूंगा। अरे तुझसे एक दाना देने के लिए कहता कौन है? तो ठीक है, मत बोलना, बोलेगा तो दूंगा भी नहीं। देख लाला, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए एक दाना मांग कर मैं तेरी इज्जत में बट्टा नहीं लगाना चाहता हूँ। क्या 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 मतलब? अरे मतलब ये कि एक दाने से ज्यादा दे दे तेरी इज्जत में भी बट्टा नहीं लगेगा और मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। अरे कि एक दोस्त के लिए तो इतना भी नहीं कर सकता? बस बस, यही खराबी है तुझमें कि धंधे के बीच में दोस्ती को तराजू पे तोड़ने लगता है। और तुझमें खराबी नहीं है कि दोस्त पर भरोसा करने के बजाय तू दोस्त की मुसीबत और बढ़ा है? अच्छा भाभी से कह दे जो सामान चाहिए दुकान पर आकर ले जाए, तेरे जैसे 2-4 और मिल गए तो दोस्ती रह जाएगी, धंधा चौपट। ले आना जाकर जो कुछ चाहिए। कैसी हो अलका बहन? ठीक हूँ जी। बहुत परेशान लग रही हो। अब आप तो सब जानते हैं पंडित जी, कर्जा इतना बढ़ गया है, कमाई भी तो इतनी नहीं है कि घर चल सके, तो फिर कर्जे से छुटकारा कैसे पाए, कुछ उपाय नहीं सूझता। देखो चाहोगी तो उपाय भी मिल जाएगा। मतलब? सुनो, रवि की अकेले की कमाई तो पूरी नहीं पड़ती, तो अलका बहन तुम भी कुछ क्यों नहीं करती? मैं? हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ। देखो शिवपुर में एक स्कूल है जहाँ औरतों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सरकारी है, खासकर गांव के औरतों के लिए है और फीस भी नहीं है। क्या नाम है स्कूल का? ग्रामीण महिला विकास केंद्र। वहां लड़कियों को कई तरह के हुनर सिखाए जाते हैं और मैंने ये भी सुना है कि वहां काम सीखकर कई लड़कियों की जिंदगी सुधर गई है। फिर तो मैं अपनी कविता को भी छाड़ नहीं रहती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है।
जरूर ले जाओ और आज ही चली जाना। अच्छा जी, नमस्ते। जय अम्बे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कहिए जी। मैं मेरी बेटी को यहाँ दाखिल कराना चाहती हूँ। कुछ पढ़ी लिखी है ये? जी, दसवीं की परीक्षा नहीं दे पाई, कुछ मजबूरी थी। ओह, फिर तो इसका एडमिशन हो जाएगा। बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है बेटा आपका? कविता। कविता जी। बहन जी, क्या मैं देख सकती हूँ यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रश्मि जी, रश्मि इन्हें सेंटर दिखा दो और बच्ची को क्लास में ले जाओ। टीचर से कहना मैंने भेजा है। आप सेंटर देख के वापस आइएगा, रजिस्टर भरना है। जी, जाइए। दिखाई? जी हाँ। बैठो। बहुत अच्छा सिखाते हैं। सुना है यहाँ से शिक्षा लेने वालों को आगे चलकर बहुत फायदा होता है। कोई भी हुनर सीख लो, उसका फायदा तो होना ही है। ये सब सरकार की प्रौढ़ शिक्षा के अंदर ही आता है। रैगजीन का बैग बनाना सीखकर लड़कियाँ उससे अच्छा पैसा कमाती हैं। बहन जी, क्या मैं भी यहाँ दाखिला ले सकती हूँ? कितना पढ़ी हुई हो? ज्यादा नहीं, बस तीसरी कक्षा तक पढ़ी हूँ, गांव के स्कूल में। जरूर ले सकती हो, क्योंकि यहाँ पे दाखिला लेने के लिए तीसरी तक शिक्षण की जरूरी है। मतलब मेरा दाखिला हो जाएगा? हो नहीं जाएगा, समझो हो गया। रश्मि, इन्हें क्लर्क के पास ले जाओ और उन्हें बोलना मैंने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। जाइए आप। लो मीता बेटी, तुम भी खाओ। बाबा तुम भी खाओ ना। अरे हाँ हाँ, अब तो हमारे घर में दो दो कारीगर तैयार हो गई हैं। हाँ, इस खुशी में तो मैं भी खाऊंगा ही। लो बाबा, कारीगर तो तैयार हो गई हैं, लेकिन कारीगर का इस्तेमाल कैसे होगा? सुनिए, आप तो बाहर घूमते रहते हैं, जरा पता कीजिए ना आसपास कोई बैग बनाने वाला होगा तो शायद काम मिल जाए। अरे इस गाँव में कौन बैग बनाने वाला मिलेगा, इसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा। बाबा तुम काम की तलाश तो करो, हम शहर जाने के लिए भी तैयार हैं। क्यों माँ? हाँ, बस हम दोनों सुबह बस से चले जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, काम तो करना ही है। अरे अरे, शहर जाना आना इतना आसान है क्या? और फिर हम तीनों अगर रोजाना घर से बाहर रहेंगे तो ये मीता बेचारी क्या क्या करेगी, घर देखेगी कि स्कूल जाएगी? बाबा शुरू में परेशानी होती है, फिर सब ठीक हो जाता है। आप हमारे लिए काम की तलाश करो, हम ट्रेनिंग लेकर घर में बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, अब माँ बेटी दोनों मिलकर दो पैसे कमाएगी तो घर की भी तो मदद हो जाएगी ना। हाँ हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं निकलता हूँ। क्या सोच रहे हो? बैठो।
अलका, उधारी वाले जान के पीछे पड़े, समझ में नहीं आता क्या करूं। ये उधारी बड़ी बुरी चीज है जी, पूरी जिंदगी ब्याज चुकाने में ही निकल जाती है। अरे जो पैसे हाथ में आते हैं वो ब्याज के लिए भी कम पड़ते हैं। ईश्वर कभी किसी को इतना मजबूर ना करे कि वो इस गोरख धंधे में फंसे। इससे निकलने का कोई उपाय नहीं सोचता? मुझे एक उपाय सोचता है। क्या? तुम ट्रक भेज दो। क्या ट्रक भेज दें? ट्रक भेज देंगे तो खाएंगे कहां से? तुम क्या समझते हो मैंने ये नहीं सोचा? सोचा है, और ये भी सोचा है कि जब तक हम बड़ी छलांग नहीं लगाते इस खाई को पार करना मुश्किल है। तुम्हें भरोसा है कि हम ट्रक बेचकर इस झमेले से छुटकारा पा लेंगे? हाँ, इस झमेले से छुटकारा भी पा लेंगे और कुछ पैसे भी रह जाएंगे हाथ में। लेकिन जो पैसे हाथ में बचेंगे उनसे कितने दिन घर चलेगा? और फिर कविता की शादी भी तो करनी है। ले देकर एक ट्रक ही अपना सहारा है, ये सहारा भी चला गया तो पता नहीं क्या होगा। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा जी, अभी हाथ पाओ सलामत है। तुम ड्राइवरी की नौकरी कर लेना, मिलजुल कर मुसीबत का सामना कर लेंगे। अब मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हुई है, कविता की हो जाएगी, आगे का भी तो सोचना है। अरे अरे ओ लाला, सामने खड़ा हूं मैं और देखता भी नहीं। नहीं देखता है? क्यों देखूं भाई? तुझे देखूंगा तो मुझे उधारी की याद आएगी और फिर मैं तुझसे तकादा करूंगा और तू फिर वही बोलेगा। लाला अभी सबर करो, अब सुबह सुबह मैं अपना दिन क्यों खराब करूं? ये बात है। फिर उधर कहां जा रहा है? उधर हाँ? तुझे क्या? मैं अपनी भाभी और अपनी बेटियों से मिलने जा रहा हूँ। अरे अरे मगर लाला, ये बात क्या है कि आज उधारी भूलकर यारी याद आ गई है? कैसे? यारी का मतलब समझता है तो सुन। भाभी और कविता ने ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग पास की है, उसी की उन्हें बधाई देने जा रहा हूँ। यार रवि, तू उनके काम धंधे की सोच। अरे यार, तू अपने ट्रक की कमाई से तो मेरा उधार भी नहीं चुका पाता। वाह लाला। माँ, बाबा भाड़ा लेकर शायद कहीं दूर चले गए होंगे, इसलिए देर हो गई। तुम खाना खाकर सो क्यों नहीं जाती? कविता सो गई है, तू भी सो जा बेटा, मैं खा लूं। अच्छा। अरे पैदल ही आ रहे हैं? क्या हुआ, ट्रक फिर से खराब हो गई क्या? नहीं, बेच दी। बेच दी? हाँ, जो तूने कहा वो कर दिया। उधार चुका दिया? हाँ बाबा, सूद मूल समेत पाई पाई चुका दिया। अलका, आज अपने सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। हाथ में कितने बचे अब? यही कोई 80,000। तो आप क्या सोचा है? मैंने एक बहुत अच्छी बात सोची है अलका। क्या? हम अपना धंधा शुरू करेंगे। धंधा? हाँ। कौन सा धंधा शुरू करेंगे? यही बैग बनाने का। मैंने एक दुकान भी देखी है, 25,000 डिपॉजिट पर मिल रही है, और तो ले लो। ले लो ना बाबा। माँ बोलो ना बाबा को दुकान ले ले, हम बैग बनाकर अपनी ही दुकान में बेचेंगे। कविता तुम्हें पता है बाबा ने ट्रक बेच दी? हाँ पता है, सुन चुकी हूँ मैं। लेकिन माँ ये तो अच्छी बात है ना?
हम अपने ही पैसे से अपना धंधा शुरू करेंगे। कविता ठीक कह रही है। सुनो अलका, मैं कल ही जाकर दुकान की बात पक्की कर लेता हूँ। अरे जो हाथ में पैसे हैं उसी में मशीन भी आ जाएगी और शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत सामान भी, ठीक है ना? हाँ बोलो ना माँ। हाँ ठीक है। सूर्यकोटि समा प्रभा निर्विघ्नं कुरु हे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वदुष्टमत्तस्यै नमस्तै सर्वमानवांगे श्री सुभासार्गे सनेरंगी गौरी नारायणी नमोस्तुते। आई वे वैसे उद्घाटन समारोह संपन्न। लीजिए प्रसाद, लीजिए। अरे आप लीजिए भाभी ताकत। अब दुकान का श्री गणेश की। अरे नहीं आपकी जी। अरे आप ठीक है, ठीक है। आइए 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 आप लोग आइए अंदर आइए। रवि बहुत बढ़िया दुकान बनाई, धन्यवाद। जी कहिए। जी मेरा बैग रास्ते में फट गया, मरम्मत हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, आप बैग ले आइए। जी लाइए। काफी भारी है, वजन से सिलाई खुल गई है। जी देखिए, वो बाइक से गिर गया था, ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, आप खाली करके दीजिए। जी। अरे इसमें तो सिर्फ किताबें हैं, क्या करते हैं आप? रहीमगंज हाई स्कूल में टीचर हूँ। ये तो सारे लाइब्रेरी की किताबें हैं, इन्हें वापस ले जाना है। अब जब तक बैग ठीक ना हो जाए तब तक कैसे ले जाऊँ? हो जाएगा हो जाएगा। कविता क्या है बाबा? भाई ये बैग ठीक करना है, ये देखो सिलाई खुल गई है, इसे अभी कर दो, मास्टर जी को स्कूल ले जाना है। कब से स्कूल में पढ़ाते हैं? इसी साल ज्वाइन किया है। ये सारी किताबें आप अपने पढ़ने के लिए ले गए थे? जी। अच्छा पढ़ाने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है? जी नहीं, अपने लिए पढ़ता हूँ। ये लीजिए। इतनी जल्दी हो गया? जी डबल सिलाई कर दी है, अब नहीं फटेगा। जी धन्यवाद। ये लीजिए। ये कविता कहाँ है? उसने पहले खा लिया, काम कर रही है। लो। अलका ये अपना धंधा शुरू करने का हमारा फैसला सही था ना? हाँ बिल्कुल सही था, लेकिन मैं पहले थोड़ा घबरा गई थी, पता नहीं दुकान चलेगी नहीं चलेगी। पता है माँ, आजकल स्कूल में मुझे सब लोग पूछते रहते हैं ये बैग किधर से लिया किधर से लिया। फिर मैंने सबको बता दिया मेरे दीदी ने बनाया है। बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा से दुकान अब अच्छी चल रही है अलका। मैं सोचता हूँ अब शहर में भी माल सप्लाई करना चाहिए। हाँ तो पता कीजिए, कमाई तो बढ़ानी पड़ेगी, बेटियों की शादी जो करनी है। माफ कीजिए। क्यों क्या गलती की आपने? जी नहीं नहीं नहीं, वो बैग फिर फट गया? जी नहीं, डबल सिलाई थी ना। वो यहाँ जो अंकल थे वो कहाँ? हाँ, वो शहर गए हैं। बोलिए आपको क्या चाहिए? जी नहीं, उन्हीं से मिलना था। आप यहाँ काम करती हैं? जाहिर है यहाँ हूँ मतलब यहाँ काम करती हूँ। कौन है कविता? मास्टर जी, ठीक कहा ना मैंने? जी बाबा से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, कल आइएगा, कल मिलेंगे वो। हाँ आप उनकी बेटी हैं? जी हाँ मैं उनकी बेटी हूँ और ये मेरी माँ है। लेकिन आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? जी वो कल आके बताऊंगा मैं।
मैं जाऊं? जी हाँ। अजीब, क्यों आया था? शायद मैं समझ गई क्यों आया था। मैं ठीक ही समझी थी कि वो लड़का यहाँ क्यों आया था। दूसरे दिन वो अपनी माँ को साथ लेकर आया, कविता का हाथ मांग ली। हमें भी लड़का जच गया था। हमने हाँ कह दी, बात पक्की हो गई, सगाई भी हो गई। अरे वाह, जट मंगनी पट ब्याह? जी नहीं बहन जी, ब्याह होना बाकी है, इसी महीने आने वाले। ईश्वर की कृपा है बहन जी, उसी ने तो घर बैठे हमें अच्छा लड़का भेज दिया। इसका मतलब हर तरह से ये दुकान आपके लिए शुभ साबित है। लीजिए मैडम, आपका बैग तैयार है। ओह फैंटास्टिक, देखिए। मास्टर जी, लड़का वाकई अच्छा है। बहन जी, जाते वक्त आप अपना पता छोड़ जाइएगा, कार्ड भेजूंगी। कविता की शादी में जरूर आइएगा। जरूर आइए। मैं तो मास्टर जी की तरफ से आऊंगा। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना, हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जभी जागे कभी सवेरा, नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना।